साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स की आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास अभी हमारी कल हुई थी। अभी हम पढ़ेंगे कि सिंटैक्स को किस तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं, और सबसे पहले सिंटैक्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखा हुआ है द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गुण होते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार के ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हॉनेस्टी हमारी जो है ईमानदारी जो है कहते हैं सबसे अच्छा गुण है। तो हॉनेस्टी के पहले हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो इसका बनेगा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा सेंटेंस है, जब कभी भी सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में कभी भी काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ तथा सॉरी जैसे कि और नीचे वाला सेंटेंस में पहले ऊपर का देख लेते हैं। ए मैन इज मोर्टल, ए मैन इज मोर्टल, ये जो पूरा संसार है, इस पूरे संसार में क्या केवल एक ही व्यक्ति जो है नैतिकतावादी है? ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि हमारे समाज में कई ढेर सारे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर अनेकों प्रकार के गुण हो सकते हैं, नैतिकतावादी हो सकते हैं। तो मैन के पहले कभी भी ए का, एन का, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ से देखना है कि हटाना क्या है। तो हमको यहाँ से हटाना है ए, बन जाएगा सेंटेंस का मैन इज अ मोर्टल। ओके, दूसरा सेंटेंस जो है काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद में काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद में कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ए है, इस यो को हमको हटा देना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। अगला सेंटेंस है, हमने बताया कि काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद कभी भी हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल व्हाट एंड काइंड ऑफ, तो इसका बन जाएगा आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन जो है, इसका सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। ये जो इसका ए आर्टिकल है, ये ए आर्टिकल इसका हट जाएगा। जैसे अगला सेंटेंस है, कभी भी हम जब मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर हम कई आर्टिकल का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। हमें कभी भी जब कहीं जाते हैं और वहाँ पे हमारा जाने का कोई मकसद होता है, तो वहाँ पर हम कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही गोज़ टू द स्कूल, वह स्कूल गया, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल किस लिए जाता है? वो स्कूल अध्ययन करने के लिए जाता है। वो किस लिए स्कूल जाता है? वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाता है। वो स्कूल किस लिए जाता है? किसी काम करने के लिए जाता है, इसलिए कि उसका वो वहाँ पे काम है, तभी वो जाता है, अर्थात तो ये इसका काम है। जैसे बच्चा गया स्कूल तो वहाँ पे अध्ययन करने के लिए ही जाता है, टीचर गया तो वहाँ पढ़ाने के लिए ही जाता है, चपरासी गया तो वहाँ पे अपने काम के लिए जाता है। जैसे अगला सेंटेंस है हमारा सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बन जाएगा सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, एट 10 o'clock सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन करके
तैयार हो जाएगा। अगला फार्मूला हमारा है कि जो अपनी जात में केवल एक ही होते हैं, जो अपनी जात में केवल एक ही होते हैं, जो कि रेगुलर जो मेल्स होती हैं, जो भी रेगुलर मेल्स होती हैं उनके पहले कभी भी हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे हमारा फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, प्लग हो गया, और भी बहुत सी है जिनके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। नोट में केवल दो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है, जैसे कि द मीजल्स। मीजल्स मीन्स होता है खसरा, दी मम्स, मम्स मीन्स होता है कंठमाला। ये दो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। ठीक है, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जो बच्चे हमारे 9th, 10th और 11th और 12th में पढ़ते हैं उनको जरूर प्लीज़ ये वीडियो भेजिएगा। कितनी मेहनत से हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं, आप शायद अपना 5 मिनट का टाइम किसी को नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम लोग एक एक घंटे दूसरे के लिए वीडियो बनाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाने की हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं लगातार, कि शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए, और हम लोग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे इस कोशिश में हाथ से हाथ मिला करके, थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप एक टीचर हैं तो यदि आप स्कूल पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सारे बच्चों में ग्रुप में ज़रूर डालें। थैंक यू, धन्यवाद।